वे लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हाउचेन और कायर एक डीमन गॉड से फाइट कर रहे थे, तभी वहां पर मैजिकल टेंपल के मास्टर आ जाते हैं जिनके पास में विंड गॉड का इनहेरिटेंस होता है जो कि अपने एक ही अटैक में उस डीमन गॉड को मार देते हैं। तो अगले सीन में हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के साथ में वॉरियर टेम्पल के लिए निकलने वाला था। वेल इसके बाद हमें वेंगुन के बारे में बताया जाता है जो कि असल में वॉरियर टेम्पल से बिलोंग करती है जो कि पहले से काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी और उसका नाम ब्लडी पड़ चुका था जो कि अपने सामने आने वाले सारे डीमंस को काफी बुरी तरीके से मारा करती थी, जिसको देखकर डीमंस भी डर जाया करते थे और उसके नाम को सुनते ही भाग जाया करते थे। और पिछला एपिसोड यहीं पे खत्म हुआ था। वेल इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डीमंस को दिखाया जाता है जो कि अभी भी अटैक कर रहे होते हैं। वेंगुन भी पीछे नहीं रहती और वो भी काफी खतरनाक तरीके से उन सभी को मार रही होती है, जहाँ पर हमें वेंगुन को दिखाया जाता है जिसके पास में एक स्वॉर्ड होती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है। गाइस आप सभी को इस वर्ड के बारे में पता नहीं होगा, मैं आगे वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेल अगले सीन में हमें डीमंस को दिखाया जाता है जिनकी तादाद काफी ज्यादा होती है और वो काफी तेजी से वॉरियर टेंपल पर अटैक कर रहे होते हैं, पर वहाँ पर वेंगुन मौजूद होती है जो कि डीमंस को आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। उसके सामने काफी सारे डीमंस थे पर फिर भी वो हार नहीं मानती। वेल अगले सीन में हमें एक वॉरियर को दिखाया जाता है जो कि मास्टर क्यू के पास में आया था और बताता है कि धीरे धीरे करके डीमंस की संख्या बढ़ती जा रही है, जो सुनकर मास्टर क्यू काफी परेशान हो चुके थे। पर वो कहते हैं कि हमारे पास में इतने ज्यादा वॉरियर मौजूद नहीं है जो कि हम डीमंस का सामना कर सके, बस हम यहाँ पर काम चला रहे हैं। हमारे पास में हमारे मास्टर द्वारा छोड़े गए आर्टिफैक्ट मौजूद है जो कि हमको डीमंस से बचा रहा है। अगर वो एक बार टूट गया तो हमारा डीमंस से बच पाना नामुमकिन है। और इसके बाद वो कहते हैं कि वैसे भी हमें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर वो सारी चीजें डिस्ट्रॉय भी हो जाती है तो हमारे पास में ब्लडी लेडी मौजूद है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, जो कि एक ही साथ में 100 बंदों के साथ में फाइट कर सकती है, तो हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। और इसके बाद हमें ब्लडी लेडी को दिखाया जाता है जो कि बैटल अरीना के अंदर होती है जो कि काफी खतरनाक तरीके से डीमंस को मार रही होती है। डीमंस की संख्या बढ़ते जा रही थी जिससे वेंगुन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि चलो मैं तुम्हें अपना अल्टीमेट मूव दिखाती हूँ। और इसके बाद वो अपने वेपन का यूज करती है जो कि साफी स्किन के बोन से बना हुआ था, जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा साफी किंग अपियर हो जाता है जो कि आते के साथ ही एक ही झटके में काफी सारे डीमंस को मार देता है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि वेंगुन की पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, वो काफी खतरनाक बन चुकी है। वो सारे डीमंस को मारकर उनके लाश के ऊपर खड़ी होती है जैसे कि वो एक हीरोइन हो। तभी हमें वहाँ पर एक डीमन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ चुका था, जिसके बाद हमें इसके बारे में बताया जाता है जो कि असल में बियर डीमन किंग होता है जो कि आते के साथ ही काफी गुस्से में था। और इसके बाद वो वेंगुन के पास में आता है और कहता है कि क्या तुम ही ब्लडी लेडी हो? वेंगुन बताती है कि हाँ मैं ही ब्लडी लेडी हूँ। वो कहता है कि चलो मैं भी देखता हूँ कि आखिर ब्लडी लेडी के पास में कितना ज्यादा पावर है, और उस पर अटैक कर देता है। पर वेंगुन उसके अटैक से बच जाती है और अपने स्वॉर्ड का यूज करके उस पर अटैक करती है, पर उसके स्वॉर्ड का उस पर असर नहीं होता। वो बताता है कि मेरी जो चमड़ी है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, मानो तो इनविंजिबल है, तुम इसको कट नहीं कर सकती हो। तभी वेंगुन आगे बढ़ती है और अपने स्वॉर्ड का यूज करके उसके एक आंख को निकाल लेती है और उसे क्रश कर देती है। साथ ही वो आगे बढ़ती है और अपने स्वॉर्ड का यूज करके उस पर अटैक कर देती है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिर चुका था और उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। अब इसकी वजह से वो काफी गुस्सा हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि धत तरीकी, मैं एक छोटी सी बच्ची से हार गया। और इसके बाद वो अपने टेलीपोर्टेशन एरे को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पर काफी सारे बियर आने लगते हैं जो कि आगे बढ़ते हैं वेंगुन पर अटैक करने के लिए। पर वेंगुन उन सभी को देख रही होती है, उसका स्वॉर्ड इतना ज्यादा पावरफुल था कि कोई भी डीमन उस पर अटैक नहीं कर पा रहा था, और वो काफी खतरनाक तरीके से उन सभी को मार रही होती है। एक भी ऐसा बियर नहीं था जो कि उसके सामने टिक पाए, सारे बियर को वो काफी खतरनाक तरीके से मार रही होती है। तभी काफी सारे डीमंस आगे बढ़ते हैं जो कि उस पर अटैक करने वाले थे, पर तभी वहाँ पर फेंग आ जाता है जो कि उसे बचा चुका था, जिससे वेंगुन काफी हैरान हो जाती है। और इसके बाद वो कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वेंगुन बताता है कि मैंने अपने तरफ के सारे डीमंस को मार दिया है, तो मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए, जिसके बाद वो दोनों साथ में मिलकर सारे डीमंस को मारने लगते हैं। वेंगुन कहती है कि जो डीमन गॉड है वो मेरा है, तुम उसे नहीं मार सकते हो। फेंग कहता है कि ठीक है, तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, और वो दोनों सारे डीमंस को मारना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पर फेंग जो होता है वो नॉर्मली डीमंस को मार रहा होता है, पर जो वेंगुन होती है वो बियर डीमन गॉड के पीछे पड़ चुकी होती है। बियर डीमन गॉड भी अपने एक फॉर्मेशन को स्टार्ट कर देता है और अपने
साथियों को आगे बढ़ने को बोलता है जो आगे बढ़ते हैं और वेंगुन को कैप्चर कर लेते हैं। बियर डीमन गॉड अपने पावर का यूज करके उन पर अटैक कर देता है और उसको ऐसा लगने लगता है कि मैंने वेंगुन को मार दिया है। पर तभी वेंगुन के हंसने की आवाज आती है जो कि कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार सकते हो। और हमें दिखाया जाता है कि वेंगुन ने अपने शील्ड को समन कर लिया था जिससे वो काफी हैरान हो चुका था और कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर छोटी सी बच्ची मेरे अटैक से कैसे बच सकती है। वेंगुन कहती है कि चलो ये छोटी सी बच्ची अपने पावर को तुम्हें दिखाती है और अपने शील्ड का यूज करके उस पर अटैक करने लगती है, जिसकी वजह से बियर डीमन गॉड की हालत काफी खराब हो चुकी थी। जो वेंगुन होती है वो अपने शील्ड को फुली एक्टिवेट कर लेती है और हमें पता चलता है कि जो वेंगुन है उसने 6 क्रिस्टल को पा लिया था जिसकी वजह से उसके शील्ड की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसके बाद वो जाइंट गॉड के पावर का यूज करती है और बियर डीमन गॉड पर अटैक कर देती है, जिससे बियर डीमन गॉड की हालत काफी खराब हो चुकी थी और वो मरने के क्षण पर आ चुका था। वेंगुन कहती है कि क्या हुआ, तुम तो मुझे छोटी बच्ची कह रहे थे, तुम्हारा तो पसीना निकल गया मेरा ही सामना करने में, जिससे वो काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि छोटी बच्ची अगर मैं मरने वाला हूँ तो मैं तुम्हें अपने साथ में लेकर मरूंगा। और इसके बाद वो अपने बर्जर्क मोड को एक्टिवेट कर लेता है जिससे उसकी पावर बढ़ने लगती है। साथ ही उसके रेंज में जो भी उसके साथी होते हैं उनकी भी पावर बढ़ने लगती है और वो सभी पागल होने लगते हैं, जो देखकर वेंगुन हैरान हो चुकी थी और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और इसके बाद वो कहती है कि ये जो बियर डीमन गॉड है उसने अपने बजर्क मोड को एक्टिवेट कर लिया है, जिसकी वजह से उसके जो भी साथी थे जो कि पहले 6 लेवल पर थे वो सभी अब 7 लेवल पर जा चुके हैं, जिसकी वजह से उन सभी की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब उन सभी का सामना करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। सच में वहाँ पर जो बियर डीमन गॉड्स थे उन सभी की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से इंसानों को उनका सामना करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था। पर जो वेंगुन होती है वो आसानी से हार मानने वाली नहीं थी और वो एक एक करके डीमंस को मारने लगती है। डीमंस के लेवल 7 पर जाने के बाद भी वो काफी आसानी से बियर्स को मार रही होती है, फेंग भी उसकी मदद कर रहा था। पर डीमंस की पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, साथ ही उनकी संख्या भी काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से उन सभी को काफी ज्यादा तकलीफ होने वाली थी, क्योंकि फेंग अपना एरिया छोड़कर वेंगुन के एरिया में आ चुका था, तो हो सकता है कि वहां पर डीमंस भी पहुंच गए हो और वहां पर अटैक कर दिए हो। अगले सीन में हमें एक सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि मास्टर क्यू के पास में आया था और इसके बारे में उन्हें बताता है, जिससे मास्टर क्यू काफी परेशान हो चुके थे। वहीं पर हमें एक मास्टर को दिखाया जाता है जिनका नाम लाउडेन होता है, जो कि इससे काफी गुस्सा हो जाते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि लगता है कि मुझे ही बाहर जाना होगा, नहीं तो इस तरीके से हमारा पूरा वॉरियर टेम्पल खत्म हो जाएगा। मास्टर क्यू उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम काफी लंबे समय से फाइट कर रहे हो जिसकी वजह से तुम काफी इंजर्ड हो चुके हो, तो तुम्हें आराम करना चाहिए, मैं खुद ही उन सभी का सामना करने के लिए जाऊंगा। तभी एक सोल्जर आता है जो कि उन्हें बताता है कि हमारी मदद करने के लिए कोई आ चुका है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, जो सुनकर वो दोनों मास्टर हैरान हो चुके थे। वेल अगले सीन में हमें हाउचेन और कार्ड को दिखाया जाता है जो कि वॉरियर टेम्पल में आ चुके थे, जो कि आते के साथ ही डीमंस को मारना स्टार्ट कर देते हैं। उनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि हम अपने आंखों से उनके स्पीड को नहीं देख सकते हैं। वो दोनों कॉम्बो अटैक कर रहे थे जिसकी वजह से कोई भी डीमन उनके सामने नहीं टिक पा रहा था और वो काफी खतरनाक तरीके से अपने सामने आने वाले सारे डीमंस को काट रहे थे। वहीं पर हमें वेंगुन को भी दिखाया जाता है जो कि बियर डीमन गॉड को मार देती है। वेंगुन अपने कैप्टन और उप कैप्टन को देखकर काफी खुश हो चुकी थी, जहां पर हमें कार को दिखाया जाता है जो कि उसे बताती है कि हमारे साथ में हान और लिन भी मौजूद है। वहीं पर हमें हान को दिखाया जाता है जो कि अपने साइलेंट टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और काफी सारे डीमंस को उसके अंदर कैप्चर कर लेता है। जो लिन होता है वो अपने फायर टेक्निक का यूज करता है और उसके अंदर जो भी डीमंस भरे पड़े होते हैं वो उन सभी को मार देता है। विल क्योंकि हाउचेन ने इन सभी की मदद की थी जिसकी वजह से इन सभी ने अपने फाइट को जीत लिया था। विल इसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें उन सारे बंदों को दिखाया जाता है जो कि अपने जीत के खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं। वेंगुन भी अपना पंजा लड़ा रही होती है, पर ऐसा कोई भी बंदा नहीं था जो कि वेंगुन को हरा पाए, क्योंकि वेंगुन काफी पावरफुल होती है और वो सारे फाइट को जीत जाती है। विल अगले सीन में लिन को दिखाया जाता है जो कि फेंग के पास में आया था और इसके बाद वो फेंग से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फेंग कहता है कि जो वेंगुन है उसने हमारे वॉरियर टेम्पल में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, जिसकी वजह से मैं उसके सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए आया हूँ। और इसके बाद वो वेंगुन के पास में जा चुका था और उसकी तारीफ करना स्टार्ट कर देता है। वेंगुन कहती है कि तुम्हें मेरा इतना ज्यादा तारीफ नहीं करना चाहिए। लिन तभी वहाँ पड़ा चुका था और इसके बाद वो कहता है कि ओहो कैसे मौज काटे जा रहे हैं, जिसे दोनों शर्मा चुके थे।
इसके बाद अलीन बात को बदल देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें साफिस किंग का स्वॉर्ड दिया था, आखिर वो कैसा है। वेंगुन अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है और बताती है कि मैं इसका यूज करके बैटल अरिना के अंदर काफी खतरनाक तरीके से डिमन्स को मारती हूँ, सच में ये काफी ज्यादा पावरफुल है। लिन कहता है कि हाँ भले ये होगा पावरफुल, पर ये मेरे फायर मैजिक के सामने कुछ भी नहीं है, अभी भी तुम मेरे सामने काफी कमजोर हो। वेंगुन कहती है कि तो फिर ठीक है, चलो हम दोनों के बीच में फाइट हो जाए। वो दोनों भी फाइट करने के लिए रेडी हो चुके थे, पर तभी वहाँ पर मास्टर क्यू आ जाते हैं जिससे उनकी फाइट रुक जाती है। हाउचन कहता है कि मास्टर मुझे आपसे कुछ अकेले में बात करनी है। मास्टर क्यू कहते हैं कि हाँ मुझे भी तुमसे अकेले में बात करनी है। जिसके बाद वो सभी अकेले में बात करने के लिए जा चुके थे, जहाँ पर हमें मास्टर क्यू को दिखाया जाता है जो कि हाउचन से कहते हैं कि हाउचन जो हमारा मैजिकल स्वॉर्ड था उसने तुम्हें अप्रूवल दे दिया, साथ ही साथ जब हम पर मुसीबत आया था तभी तुम यहाँ पर आ गए, क्या तुम इसका इशारा समझते हो। और इसके बाद वो खड़े हो जाते हैं और अपने जाम को बाहर निकालते हैं और हाउचन को पीने के लिए देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम इसे पी लेते हो तो इसका मतलब ये होगा कि तुम वॉरियर टेम्पल के अगले मास्टर हो जाओगे, जिससे मास्टर काउरेन काफी गुस्सा हो जाते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है ये बंदा हमारे वॉरियर टेम्पल का मास्टर बनने के लायक है, और कहते हैं कि मेरे नजर में एक ऐसा बंदा मौजूद है जो कि वॉरियर टेम्पल का मास्टर बन सकता है। जिसके बाद वो अपने कप को वेंगुन के सामने करते हैं और उसे पीने के लिए देते हैं, पर वेंगुन भी मना कर देती है, जिससे वो दोनों मास्टर काफी गुस्सा हो चुके थे। लिन जो था वो दोनों मास्टर को देखने लगता है कि आखिर वो दोनों मास्टर क्या गुस्से में करते हैं, पर दोनों मास्टर ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। और इसके बाद वो हाउचन से कहते हैं कि मैं जानता था तुम कभी भी मेरे बात को नहीं मानोगे, हमने तो यहाँ पर मजाक किया था। और इसके बाद वो कहते हैं कि आने वाले समय में काउरेन का जो डिसाइबल है वही हमारे वॉरियर टेम्पल का मास्टर बनेगा। काउरेन कहते हैं कि हाँ मुझे इसके लिए वेंगुन पर काफी खास ध्यान देनी होगी ताकि वो आने वाले समय में हमारे वॉरियर टेम्पल की अच्छी लीडर बन सके। जो लिन होता है वो उन सभी के बातों को सुनकर काफी ज्यादा बोर हो रहा था। मास्टर क्यू कहते हैं कि हमारे जो मास्टर थे उन्होंने यहाँ पर कुछ आर्टिफैक्ट को छोड़ा था जिसका यूज करके हमने डिमन्स को काफी देर तक रोक कर रखा, अगर वो हमारे पास में नहीं होता तो हमारा वॉरियर टेम्पल कब का डिस्ट्रॉय हो चुका होता। मास्टर काउरेन वेंगुन से कहते हैं कि वेंगुन तुमने छह क्रिस्टल को खोज लिया है, पर जो सातवा क्रिस्टल है वो अभी तक तुम्हें नहीं मिला है, क्या तुम्हें पता है वो छठा क्रिस्टल कहाँ पर है। वेंगुन को इसके बारे में पता नहीं था। मास्टर काउरेन उसे बताते हैं कि वो सातवा जो क्रिस्टल है वो हमारे मास्टर द्वारा छोड़े गए केव के अंदर मौजूद है, अगर तुम्हें उसे पाना है तो तुम्हें उसका टेस्ट देना होगा। जहाँ पर हमें वेंगुन को दिखाया जाता है जो कि उनके बात को मान चुकी थी और वो टेस्ट को देने के लिए रेडी हो चुकी थी ताकि वो सातवें क्रिस्टल को पा सके, अगर वो ऐसा कर लेती है तो वो जाइंट गॉड के फुल पावर का यूज कर पाएगी। ऐसा कहें तो जो जाइंट गॉड है वो अपने इनहेरिटेंस को वेंगुन को दे देंगे। अब क्योंकि जो वेंगुन थी वो अपने टेस्ट को देने के लिए जाने वाली थी जिसकी वजह से उसका जो क्षेत्र था वो खाली पड़ गया था, जिसकी वजह से जो मास्टर क्यू होते हैं वो हाउचन से कहते हैं कि हाउचन जो वेंगुन है वो टेस्ट को देने के लिए जाने वाली है जिसकी वजह से उसके क्षेत्र में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो कि डिमन्स को मारकर भगा पाए, तो क्या तुम ऐसा करने में हमारी मदद करोगे। हाउचन कहता है कि आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, जब तक वेंगुन अपने टेस्ट को देकर नहीं आ जाती है मैं आपकी मदद करूंगा डिमन से फाइट करने में। अगले सीन में हमें वेंगुन को दिखाया जाता है जो कि अपने टेस्ट को देने के लिए जा चुकी थी, जहां पर हमें चट्टान को दिखाया जाता है जो कि काफी अजीब तरीके से खुलने लगता है और हमें उसके अंदर एक केव को दिखाया जाता है। और इसी के साथ में इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाता है। वेल गाइस, मैं 2 हफ्तों से वीडियो को अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे पास में टाइम नहीं था, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं टाइम पर वीडियो को अपलोड कर पाऊँ, बस आप सभी सपोर्ट दिखाओ। अगर आप सभी सपोर्ट दिखाते हो तो मैं बहुत ही जल्दी आप सभी को टाइम पर वीडियो देना स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए इस एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मैं प्रीव्यू के एक्सप्लेनेशन को बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूंगा, साथ ही नोवेल का एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगा, तो आप सभी परेशान मत होना।